हरि ओम हरि ओम। विश्वानि देव सवितर दुरुतान पराश्वियद भद्रम तन्मयाशु हिरण्यगर्भासंवर्तताग्री भूतस्य जाता पत्रीत्यासीत् सदाधार पृथ्वी तु ध्यायते मां तस्मै देवाय हविषाभिधेयम्। सर्वमंगलमांगल्ये सर्वार्थ शिवे साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोलिए भगवती माता की, प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। धर्म प्रांगण में पधारे हुए समस्त हमारे भगवत प्रेम भैया लोग, सीता सावित्री अनुसुईया दमयंती के पचिन्हों का अवलोकन करने वाली समस्त हमारी मातृ शक्तियां देवियां, भारत देश के होनहार कुसुमित न कुसुम बालक बच्चे नौजवान साथी, आइए बड़े प्रेम के साथ में अभी आप लोगों ने हमारे भैया वीरेंद्र जी के द्वारा भगवान की पावन चर्चा को श्रवण कर रहे थे, आइए बड़े प्रेम के साथ में दो बार उस पार ब्रह्म परमात्मा का दो बार नाम लिया जाए, आत्मा को पावन किया जाए और तत्पश्चात प्रभु की पावन श्री हरि कथा की तरफ आप लोगों ले चलने का प्रयास। दो बार उस पार्वन परमात्मा का नाम लो, आत्मा को पावन करें और उसके बाद में भगवान की चर्चा। सभी लोग बोलेंगे, एक बार जयकारा बोलो, प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, बोलिए बजरंग बली की। दो बार सभी लोग बोलेंगे भगवान का नाम। जय हनुमाना, जय हनुमाना, अति बलवाना, अति बलवाना, राम राम कहियो रे कि मोर मन बसियो रे, राम राम सुकाज कठिन जग माई, जो न होई हनुमत तुम पाही, शरण में रहियो रे कि मोरे मन बसियो रे, शरण राम राम कहियो रे के मोरे मन बसियो रे।
बजरंग बली की, सच्चिदानंद भगवान की। एक छोटा सा पद ध्यान दें। मैंने शाम को बोला था, पांच चोर हमारे शरीर में बैठे हैं और ये पांचों महाविकट चोर हैं। एक बढ़ जाए मानो शरीर का विनाश हो जाता है। कौन? काम, क्रोध, लोभ और मोह और अहंकार। काम बढ़ जाए तो शरीर का विनाश, क्रोध बढ़ जाए तो शरीर का विनाश, लोभ बढ़ जाए तो विनाश, मोह बढ़ जाए तो विनाश, अहंकार बढ़ जाए तो विनाश। लेकिन ये तो सबके अंदर है, बस इनको अपने वश में करना, थोड़ा धीरे धीरे इनको एक एक करके निकालना है, मानव जीवन स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन मनुष्य को सब्र कहां, वो मानता कहां? एक बात आपने ध्यान दिया होगा, सबसे पहले जब भगवान ने जीव जंतु मनुष्य पशु पक्षी सबकी रचना किया, तो सबसे पहले भगवान के पास जानवर गया। जानवर गया भगवान से कहने लगा, प्रभु तो हमें कितनी आयु दे रहे हो, ऐसी उम्र दे दो जिससे हम जिंदगी भर अमन चैन से खाए पिए रहे। तो भगवान ने कहा, जाओ 40 वर्ष की आयु तुम्हें दे रहा हूं, 40 साल तक बढ़िया आराम से खाओ पियो रहोगे। उसके बाद मनुष्य गया, मनुष्य बोला, प्रभु हमको आयु कितनी दे रहे हो, जानवर को हम खिलाएंगे, हम बांधेंगे, छोड़ेंगे, हम सभी सारा कार्य हम कर देंगे, आखिर हमारी आयु कितनी दे रहे हो? तो भगवान ने कहा, जाओ तुम्हारी भी आयु 40 वर्ष। उसके बाद कुत्ता गया, कुत्ता ये कहने लगा, प्रभु हमारी आयु हमको कितने दे रहे हो? कुत्ते से भी कहा, तुम्हारी आयु जाओ 40 वर्ष। उसके बाद उल्लू गया, उल्लू से भी कहा, तुम्हारी आयु, उसने भी आयु मांगा, तो भगवान ने कहा, जाओ तुम्हारी भी आयु 40 वर्ष। यानी पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य जो भी गया, भगवान ने सबकी उम्र 40-40 साल कर दिया। भेदभाव कोई हुआ किसी के संग? कुछ नहीं, भगवान ने भेदभाव नहीं किया। चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जीव जंतु, भगवान ने सबको उम्र 40-40 दे दिया। उसके बाद मेरे बंधुओं, जानवर गया, जैसे गधा आप ले ले, गधा, जानवर, वो गधा गया भगवान के पास और कहने लगा, दोबारा कहने लगा, प्रभु ये 40 साल की आयु जो तुमने हमको दे दिया है, ये बहुत लंबी आयु है। कहा क्यों? भगवान ने कहा, क्यों लंबी आयु है? गधा बोला, महाराज हम तो बोझ ढोते ढोते 40 साल में मर जाएंगे, बुढ़ापा आ जाए, चलने फिरने के लायक आदमी ना हो, फिर भी इतना बोझ उसके ऊपर लाद दिया जाए तो कहां, वो उसकी तो दशा खराब हो जाएगी। गधा बोला, प्रभु हम तो जीवन भर हमें बोझ ढोना है, तो 40 साल जो उम्र तुमने हमको दिया है, मैं मर जाऊंगा, थोड़ी कम कर दो, हमारी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा, गधे से कहा, जाओ जाओ तो फिर 20 साल, 40 साल के हमने दे दिए, आधी कर रहे हैं, 20 साल की जिंदगी जियो, 20 साल तक आराम से जो कुछ खाना कमाना है बोझा ढो लो, उसके बाद रिटायर 20 साल तक। गधे ने कहा, चलो ठीक है महाराज, आधे सही। उसके बाद कुत्ता गया, कुत्ता भी बोला, महाराज हमारी भी आयु कम कर दो थोड़ा, 40 साल तुमने दिया है, हम ही मर जाएंगे, परारे सहारे पराधीन रह करके टुकड़े टुकड़े पर मोहताज हैं, जैसे कुत्ता है तो हमारे आपके सहारे, भोजन दे दिया तो दे दिया, नहीं तो कहां, वो अपने हाथ बना तो नहीं सकता, नहीं भोजन वो खा सकता है, दाल चावल रोटी खा तो सकता है, लेकिन वो बनाना नहीं जानता, वो आधी नहीं। कुत्ते ने कहा भगवान से, महाराज हमारी भी आयु कम कर दो।
तो भगवान ने कहा जाओ 40 वर्ष दिया था हमने, तो तुम्हारी भी 20 कर रहे हैं, 20 आधी कर रहे हैं। कुत्ते ने कहा चलो अब 20 वर्ष गधे की, 20 वर्ष कुत्ते की। उसके बाद उल्लू गया, उल्लू भी करने का महाराज 40 साल तक हम बैठे बैठे पेड़ों की खोह में कहां तक हम टकटकी लगाए रहेंगे, थोड़ा हमारी भी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा जाओ तुम्हारी भी आयु कम कर रहे हैं 20 साल। 20 साल उल्लू की हो गई, 20 साल कुत्ते की हो गई, 20 साल गधे की हो गई। उसके बाद मनुष्य गया, कहा महाराज 40 साल की तुमने हमारी उम्र किया है और 40 साल में हम कहां कर पाए हैं, ये बहुत कम उम्र है, 40 साल में हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, थोड़ा हमारी उम्र बढ़ा दो, थोड़ा और बढ़ा दो उम्र हमको और दे दो। भगवान ने कहा भाई अब तो हमारे पास और उम्र है नहीं, हाँ गधे की है 20 साल, 40 साल दिया था 20 साल कम कर गया है, तो गधे की चाहो तो भाई 20 साल तुमको दे दे। मनुष्य बोला लाओ प्रभु भाई 20 साल बढ़ा दो, 40 से 20 साल बढ़ा दो। तो भगवान ने 40 साल उम्र मनुष्य की दिया था, 20 साल गधे की उसमें मिला दिया, तो 40 20 60। भगवान ने कहा 60 साल की जिंदगी बढ़िया है। मनुष्य ने कहा नहीं महाराज अभी कम है, अभी कम है, थोड़ा और दे दो, थोड़ा और उम्र बढ़ा दो। तो भगवान ने कहा अब तो हमारे पास उम्र है नहीं, हाँ कुत्ते की 20 साल है, चाहो तो भी ले लो। मनुष्य ने कहा चलो कुत्ते की भी दे दो कोई बात नहीं। तो भगवान ने 20 साल कुत्ते की मिला दिया मनुष्य की उम्र में, 60 साल के बाद 20 साल कुत्ते की मिला दिया, तो 60 और 20 80 का 80 साल के हो गए, अब तो कम नहीं। मनुष्य बोला नहीं प्रभु अभी कम है, थोड़ा और जिंदा रहने तो और देख रहे नाती पोता हो दुनियादारी और थोड़ा उम्र बढ़ा दो। भगवान ने कहा देखो अब तो है नहीं, अब तो खाली एक लोग उम्र बची, वो किसकी, उल्लू की, उल्लू की है, 20 साल हमने किया था उसकी बची, लेना चाहो तो ले लो। मनुष्य ने कहा प्रभु फिर वो भी दे दो, तो 80 20 100 हो गए, 100 साल की जिंदगी भगवान ने दे दिया, कहा आप संतुष्ट हो। मनुष्य बोला हाँ अब थोड़ा काम चल जाएगा। आज भी मनुष्य की उम्र कितनी मानी जाती है, ज्यादा ज्यादा 100 साल, लेकिन 100 वर्ष की जिंदगी को जिंदगी आए ना भैया। अब जरा देखो बढ़िया जिंदगी मनुष्य की कब तक है, 40 वर्ष, चाहे आदमी हो चाहे औरत। जिंदगी अगर बढ़िया जीना है, अमन चैन से बढ़िया खाना पीना रहना है, वो जिंदगी है 40 साल, और 40 साल के बाद जब आदमी हो चाहे मनुष्य जब आगे बढ़ते हैं 50 60 में पहुंचे, फिर जिंदगी कैसी हो गई, गधा जैसे भार ढोता है ना, यो घर मकान बना दो, लड़का बच्चा है वो मकान बना दो, ये जमा कर दो वो कर दो, जैसे गधा भार ढोता है 40 के बाद जब मनुष्य पहुंचता है तो गधे की उम्र में आ गया, रात दिन ढोते ढोते परेशान। चलो 60 साल तक जिंदगी गधे की ढोते रहे बनाते रहे, अपने लिए तो कुछ बनायो नहीं, अपने लिए कुछ बनाया, जो भी लोग हैं अपने लिए हम आप नहीं बनाते, हर आदमी बनाता दूसरे के लिए है ना, अपने लिए कुछ बनाते नहीं। 60 साल गधे की जिंदगी ढोते ढोते परेशान, अब 60 के आगे बढ़े, अब जिंदगी किसकी आई, 60 से 80 साल तक जिंदगी एक कुत्ते की। जैसे आदमी 60 साल के बाद पहुंचता है तो जिंदगी तो जी रहे, लेकिन कैसी जी रहे, मनाई वाली ना, कुत्ते वाली। कुत्ता कहां रहता है, जब आदमी 60 साल की उम्र में पहुंच जाता आदमी होता है, औरत कोई घर के अंदर रहा था, डायरेक्ट बाहर, बाहर खाना, बहरे पानी, बहरे सोना, बहरे लेटना, घर के अंदर प्रवेश नहीं हो पाते। जैसे कुत्ता जिंदगी जीता है, दरवाजे पर कौर डाल दो डाल दो, उसको घर के अंदर प्रवेश नहीं, द्वारे भाव 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 कर रहे तो कर रहे, सुनने वाला कोई नहीं, भौंक रहे कुत्ते जैसी जिंदगी, कह रहे हैं चिल्ला रहे हैं, लेकिन बुढ़वन कोई मानने वाला है, तुम कुत्ते जैसे भौंक रहे तो भौंकते रहो, कोई नहीं भौंकता मानता ना।
तो 60 से यानी 80 साल तक जिंदगी हो गई कुत्ते की, और 80 साल के बाद अगर जिंदा रह गए तब किसकी जिंदगी जीना है? उल्लू देखा है? उल्लू, उल्लू का काम क्या है? चाहे जहां पेड़ पर देखो, जहां बैठा होगा तो वहां की टकटकी लगाए वो देखता ही रहेगा, न बोलता है न चालता है न कुछ, वो चुप्पे बैठा देख रहा है। 80 के बाद में जब जिंदगी आती है तो आदमी दरवाजे पर चरपैया पर पड़े हैं तो पड़े हैं, न तो जमीने पर पड़े हैं। जैसे घुघुआ देखत ऐसे टकटकी लगाए, दुनिया सब देख रहे हैं और कह सकत ना कुछ, का कह पिए। तो 100 साल तक जिंदगी व्यतीत करना है तो व्यतीत चाहे कर लो। 60 साल तक है गधे की जिंदगी 40 के बाद, और 60 से 80 तक जिंदगी है कुत्ते की जिंदगी जीना है, और 80 के बाद 100 तक जब पहुंचता है तो जैसे उल्लू है ना, बस बैठे बैठे देखत रहो, बाकी काम कुछ नहीं है। जिंदगी बढ़िया 40 साल तक है, लेकिन क्या करें, ये माया कहां मानती है ना, ये कहां मानती है। कवि ने लिखा है एक बड़ा प्यारा पद है, चाहे कोई हो इस माया ने तो सबको पकड़ा है ना। लिखा है, सुर नर मुनि सब मोहि लियो रे माया की चिरैया, सुर नर मुनि सब तक खूब लिपटती है शरीर में, कहां गई? जिसकी बिगड़ेगी तो 16 साल के पहले, और 16 साल तक जिसकी ना बिगड़ी फिर आगे ना ही बिगड़त, जब बर्बादी होगी तो 16 साल के पहले। उड़ी उड़ी बैठी राजा रावण भीगे, उड़ी उड़ी बैठी माया के चक्कर में, उड़ी उड़ी बैठी राजा रावण भीगे, उड़ी उड़ी बैठी राजा रावण भीगे। अरे सोने के लंका जलाए दियो रे माया। थे व्यास जी के शिष्य जिनका नाम था जयमनीषि, बहुत माया से दूर रहते थे, लेकिन जब माया का ऐसा चक्कर चला, उड़ी उड़ी बैठी नारद ऋषि पर, उड़ी उड़ी बैठी नारद ऋषि पर, उड़ी बैठी नारद ऋषि पर, माया के चक्कर में पड़ करके बंदर का मुखड़ा बनाए दियो रे माया की चिड़ैया, बंदर का मुखड़ा बनाए दियो रे माया की चिड़ैया। उड़ी के बैठी जमीन ऋषि पर, उड़ के बैठी जमीन ऋषि पर। अरे जमीन को घोड़ा
मर्द को नारी बनाए दियो रे माया की चिरैया। मर्द को नारी सब लोग विष्णु भगवान की ये माया, इस माया से कोई निकल नहीं पाता है। भगवान भोलेनाथ या भगवान की जिस पर कृपा होती है वही इस माया संसार सागर से पार हो पाता है, अन्यथा नहीं। मेरे बंधु, भगवान भोलेनाथ देवता तो बहुत हैं, लेकिन जो हमारे भोले बाबा हैं भोलेनाथ, ये कैसे हैं? अनाथों के नाथ, जिसका कोई सहारा न हो। भगवान शंकर ऐसे देवता हैं जिनका कोई सहारा न हो। दुनिया के सहारे होते कि चलो बुढ़ापा में लड़का बच्चा मेहरिया भाई बंद कोई न कोई सहारा देगा, और जिसके कोई साथ न देने वाला न हो, जिसका दुनिया में कोई सहारा न हो, वो अनाथों के नाथ हैं भोलेनाथ। भगवान शिव की जिन्होंने उपासना किया है वो संसार में उनका नाम आज भी है। भगवान शंकर की ऐसी भक्ति, भोले बाबा की भक्ति जिन जिन लोगों ने किया है वो सदैव माला माल रहे। भोले बाबा ने उनको बढ़ाया, आप सभी लोग जानते हैं, बाल और सुग्रीव सगे दो भाई हैं, सगे दो भाई हैं, लेकिन जो बाली है वो बड़ा है, सुग्रीव छोटे हैं। बाली बड़ा है, सुग्रीव छोटे हैं। बाली भी भगवान शिव का बहुत बड़ा पुजारी था, बहुत बड़ी भोले बाबा की सेवा करता था, बहुत बड़ा। संसार में चार भाई हो दो भाई हो सब एक जैसे तो होंगे नहीं। तुलसी बाबा लिखते हैं, सबके चाल अलग होगी, सबके विचार अलग होंगे, सबके कार्य अलग होंगे, एक जैसे किसी के कार्य नहीं हो सकते। अगर घर में चार भाई हैं, चारों भाइयों के विचार अलग। बाल और सुग्रीव, भगवान ने बाली से मित्रता क्यों नहीं किया? सगे जब भाई थे, आज के जमाने में घर में दो भाई हैं तो सबको समान देखा जाता है, लेकिन भगवान राम ने मित्रता जो किया वो सुग्रीव से मित्रता किया और बाली से दुश्मनी। ऐसा होना चाहिए, एक घर में दो ही भाई हों तो अगर तुम्हारा व्यवहार उस घर में है तो दोनों भाइयों को एक रखोगे, एक समझोगे ना, कि भाई भाई का पक्ष ले लोगे, एक भाई को बर्बाद करोगे एक भाई को उठाओगे, ऐसा तो नहीं। राम जी ने सुग्रीव से मित्रता क्यों किया और बाली से दुश्मनी क्यों किया? देखो, सुग्रीव के दो नाम हैं, एक नाम है सुग्रीव और दूसरा नाम है सुकंठ। अब इनकी संधि विच्छेद करो, सुग्रीव की संधि विच्छेद करो क्या होगा? सु प्लस ग्रीव, सु माने सुंदर, ग्रीव माने गर्दन। जिसकी सुंदर गर्दन होती है, जिसकी सुंदर गर्दन होती है उसी को सुग्रीव कहते हैं। और सुकंठ, सु माने सुंदर, कंठ माने गला। जिसका सुंदर गला होता है, गला तो सबका एक जैसा है, लेकिन इससे जो वाणी निकलती है गले से, भगवान मित्रता किससे करते हैं? भगवान किसको मिलते हैं? जिस सुग्रीव और सुकंठ दोनों की बातें संविच्छेद है। सुमाने सुंदर, ग्रीव माने गर्दन, सुमाने सुंदर, कंठ माने गला। जिसकी सुंदर गर्दन हो, जिसका सुंदर गला हो, भगवान ऐसे से मित्रता करते हैं और ऐसे को मिलते हैं। बाणी होना चाहिए, मुख है सभी का एक जो है, गला भी गर्दन भी एक है, लेकिन इससे जो बाणी निकलती है उसी से मित्रता है और उसी से पहचान है और उसी से सब दुनिया में है। इस वाणी के द्वारा ही दुनिया में सब कुछ मिलता है। तो वाणी में अंतर है, गला में अंतर है। भगवान ने इसीलिए सुग्रीव से मित्रता किया, जो वाणी थी वो बढ़िया थी, गर्दन भी सही है,
जो भी कहते हैं करते हैं। और बाली बड़ा है, भगवान शिव का बहुत बड़ा उपासक है। एक दिन की बात है, देखो बाली एक दिन कानन जाई, बाली एक दिन कानन जाई, बाली एक दिन कानन जाई, बाली एक दिन, बाली एक दिन कानन जाई, बाली एक दिन कानन जाई, बाली एक दिन कानन जाई, लई फल सात फल सात चलो हर साई, 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 सात चलो हर साई। एक दिन की बात है, बाली रावण का भाई बाली भगवान शिव की पूजा करने के लिए चला जंगल में। देखो एक साधना एकांत जगह पर ही बढ़िया उत्तम हो पाती। जब आप पूजा पाठ करते हो घर में, आंखें बंद क्यों कर ली जाती? आदमी आंखें बंद इसलिए कर देता है कि हमारा मन जो है एकाग्र हो करके जिस देवी देवता की पूजा पाठ करते हो उसी में मन लगे, इधर उधर कोई दृश्य देखने न पावे, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है। आप पूजा पाठ कर रहे हो और सामने कोई दृश्य आया, आंखें खुली हैं और मन जैसे देखेगा फौरन पूजा छोड़ करके भगेगा, बड़ा चंचल है। और जब आंखें बंद हैं तो आपका सारा मन उसी देवी देवता के चरणों में लगा हुआ, इसीलिए आंखें बंद कर ली जाती पूजा करते समय। हाँ, तो बाली सोचने लगा आज हम भोले बाबा की पूजा अर्चना करने के लिए हम जंगल को जाएंगे। जंगल को गया, वहां पर भगवान शंकर की पूजा करने के लिए बहुत से कोई दूध चढ़ाता, कोई चावल चढ़ाता, कोई गन्ना चढ़ाता, कोई गांजा चढ़ाता, कोई भांग, कोई धतूरा, बहुत से कोई बिल्वपत्र, बहुत से भोले बाबा को अर्पण करता है आदमी। तो बाली सात फल लेता है जंगल से।